नमस्कार, मुँ डॉक्टर रंजित कर कहुची। प्रेजेंटली मुझे एससीजी पंडा कैंसर हॉस्पिटल कटक रे सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी अच्छी। अक्टोबर मस को आम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ हिसाब से पालन करूँ। स्तन कर्कट फीमेल मान स्तन कर्कट कैंसर टा होची नंबर वन कैंसर। तार किसी सेमती एज ग्रुप न थाए, नर्माली आम देखू 45 वर्ष रु 50 वर्ष पर ब्रेस्ट कैंसर टा बेसी मात्रा में देखा जाए, बट आम यंग एज रे भी ब्रेस्ट कैंसर को देखू। सेमती स्तन कर्कट रोग रे किसी सेमती कारण किसी न थाए, आम सब देखू जे लेक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कजेस ब्रेस्ट कैंसर। तर जो मैंने ब्रेस्ट फीडिंग दिखती से ब्रेस्ट कैंसर होवार चांसेस अधिका थाए। जो मैं 35 वर्ष पर बाहर हुए, जो मैंने स्तनपान दिखती, जो मैंने ओराल कंट्रासेप्टिव पिल नियंती, स्मोकिंग करती, अल्कोहल नियंती, एंड फैमिली हिस्ट्री थाए, माँ रेल झील को 7% चान्स थाए, आई माँ रेल नातुणी को 3% चान्स थाए। ए लक्षण सब कौन कौन देखा जाए, तर स्तन किसी गेटा है, काखर किसी गेटा है, बेक किसी गेटा बाहर, निपुल रु ब्लीडिंग है, दुईटाक स्तन सामान स्तर में न रहा, निपुल जदि भितर को पशिगला, यदि निपुल ब्लीडिंग है तेल आम सब ब्रेस्ट कैंसर बोली सिम्टम बोली मानु। एंड सब आडभांस डिजीज रे अंटा बथा हुए, तापर कामल रोग हुए, जंडिस डेवलप करे, ब्रेन को अटैक कले, सब फिट्स मारे, कन्वल्जन हुए, बात मारे, एंड वोमिटिंग हुए, बांति हुए, एंड सीवियर मुंड बिंधे, एंड हाड़ को रोग गले पेसेंट को एक्सक्रुसेटिंग पेन हुए, सीवियर पिठी बता हुए, अंटा बता हुए, एंड शोल्डर जोन रे पेन आसी थाए। सो यह सब जिनस स्तन कर्कट रोग लक्षण। बिना पाथोलॉजिकल डायग्नोसिस रे केबे भी स्तन कर्कट रोग को चिकित्सा करा जाएनी बा इन्वेस्टिगेशन करा जाएनी। प्रथमे सबळे आमे गुरुत्व दो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। सबळे जणे यंग लेडी तार पीरियड्स 7 दिन परे तार दिटाको ब्रेस्ट को इन्स्पेक्ट करे, दिटाको ब्रेस्ट को सी देखे, एमती करके देखे, मिरर आगे देखे, एंड निजर इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, आर्मपिट रे, डाणातिया लोक बांपट ब्रेस्ट रे, अपर आउटर क्वाड्रेंट, अपर इनर क्वाड्रेंट, लोअर आउटर क्वाड्रेंट, लोअर इनर क्वाड्रेंट, एंड लेफ्ट हैंड पर्सन अपर आउटर, अपर इनर, लोअर आउटर, लोअर इनर क्वाड्रेंट से देखती, निपुल एरिया देखती ब्रेस्ट किसी गेटा अच्छे कि नहीं। जदि किसी गेटा परिलक्षित होगा तेज़े क्लीनिकाली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करा जाए जे डॉक्टर को द्वारा, जे ऑन्कोलॉजिस्ट को द्वारा, जे सर्जन को द्वारा। एंड तापर सबुठ मोर दर्शक बंधु को कही रखे मामोग्राफी। ब्रेस्टर एक्सरे को इंग्लीश से कहते मामोग्राफी माने डिस्कोर्स। 40 वर्ष बयस थम रूल हो समस्ते वर्ष को थरे थरे मामोग्राफी करार अच्छी। जो मर स्ट्रंग फैमिली हिस्ट्री अच्छी से मैंने धर माँ को ब्रेस्ट कैंसर होने झील मैंने 30 वर्ष पर मामोग्राफी टेस्ट करेबार अच्छी। एफएनएससी टेस्ट, ट्रूकॉट बायोप्सी टेस्ट, छुंची परीक्षा, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस, डिजिटल एक्सरे, चेस्ट पीए व्यू, सीटी स्कैन, एमआरआई, बोन स्कैन, एंड सबुठ कही रखे होल बॉडी पेट सीटी स्कैन। पेट स्कैन द्वारा आम सब जापरू गोटे रोग अन्य जगह को जगह को स्प्रेड कर बोन को जाइए कि नहीं, लिवर को जाइए कि नहीं, लंग्स को जाइए कि नहीं, एंड ब्रेन को जाइए कि नहीं। आम स्टेजिंग करूँ फास्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। सब आर्ली स्टेज रे सर्जरी हुए। वर्तमान स्तन कर्कट हेले आम सब प्रिफर कर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। ब्रेस्टर केवल गेटा ऑपरेशन होची, काखर गोली ऑपरेशन होची, जहाँ को इंग्लीश रे कहा होची लंपेक्टोमी किंवा क्वाड्रेंटेक्टोमी, जो थी कि कंजर्वेशन करा होची, ब्रेस्ट को कंजर्व करा होची। ब्रेस्ट होची फीमेल रो कॉस्मेटिक पार्ट, जणे 70 वर्ष 75 वर्ष पर्यंत ब्रेस्ट रो रिक्वायरमेंट रहउची। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कलापर तापर केमोथेरापी देले, तापर रेडिएशन थेरापी देले, ता रिजल्ट आउची मच मोर बेटर देन पूरा ब्रेस्ट को रिमूव करकी तापर केमोथेरापी दबा, तापर रेडिएशन थेरापी दबा। एंड मामोप्लास्टी अन्य जगह मांस नहीं कि नूतन ब्रेस्ट आम या ब्रेस्ट रिकनस्ट्रक्शन सर्जरी करूँ। थे सर्जरी कलापर तापर आम बायोप्सी रिपोर्ट को वेट करूँ, एंड बायोप्सी रिपोर्ट पर आम पाथोलॉजिकल स्टेजिंग करूँ, एंड तापर रिक्वायरमेंट हुए केमोथेरापी। सालाइन में कैंसर मेडिसिन मिसिक दबा को इंग्लीश में कौन केमोथेरापी, जहाँ 21 दिन में थर थे दि जाए, किए किए आम डोज डेन्स प्रोटोकल फॉलो करूँ, 15 दिन में थोड़े थोड़े केमोथेरापी दे था। एंड केमोथेरापी काम होगा गोटे जगार अन्य जगह को रोग को स्प्रेड करने नदा, सेम जगह रोग को डाउन स्टेज करवा। एंड तापर है रेडिएशन चिकित्सा। जदि ट्यूमर साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर है, कि नोड पॉजिटिव बाहर, कि लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर अच्छी पॉजिटिव अच्छी, रेडिएशन मैंडेटरी। वर्तमान आम 15 रेडिएशन दे था सप्ताह 5 दिन करके 3 सप्ताह चिकित्सा दि जाए। जड़े भी केबे भी पेसेंट भयभीत होवार नहीं, रेडिएशन रे केबे पोड़ाजड़ा हुए नहीं। नुआ कन्फर्माल टेक्निक्र नुआ इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरापी चिकित्सा द्वारा आम ब्रेस्ट को सेव कर पार्छ, लंग्स को स्पेयर कर पार्छ, एंड हार्ट को स्पेयर कर पार्छ। एंड मुझ कही रखे मो दर्शक बंधु को थे चिकित्सा सरला परे एव्री 3 मंथली 2 वर्ष पर्यंत, एव्री 6 मंथली 5 वर्ष पर्यंत, वर्षक थे थे 10 वर्ष पर्यंत से देखा करने आसवा दरकार। एंड मामोग्राफी वर्षक थे करा दरकार, अल्ट्रासोनोग्राफी डिजिटल एक्सरे 6 मास को थे करा दरकार। कैंसर पर भयभीत होवार नहीं, ब्रेस्ट कैंसर भल कैंसर जाए से आम कम्प्लीट निराकरण हो पारा। ब्रेस्ट कैंसर टा डिया रोग नहीं, जड़े स्वामी स्त्री सांगे रही पारे, बारंबार छुंची परीक्षा कले ब्रेस्ट कैंसर रोग बढ़े ना। कैंसर टा कॉस्टली जो जिनमें कौचु से मिथ,
एससीजी पंडा कैंसर हॉस्पिटल रे अंडर वन रूफ इन्वेस्टिगेशन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होल बॉडी पेट सीटी स्कैन सर्जरी केमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी बायोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी मेट्रोनोमिक थेरेपी हार्मोनल थेरेपी सब प्रकार सुविधा अच्छी प्रॉपर चेकअप अच्छी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अच्छी रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज अच्छी जड़े पेसेंट को भयभीत होबार नहीं से चिकित्सा आसिक भल हो ता मनरे ग्लानी रहीबार नहीं आम कैंसर को जय कर पारिबा कैंसर को प्रिवेंट कर पारिबा कैंसर आम मैनेज कर पारिबा जदि आम भयभीत न हो कि ठीक समय जहाँ लक्षण मुझे सब जिनस जो कहली डॉक्टर को आम एनुमरेट कर पारिबा कही पारिबा तले कैंसर आम कर्कट जयी हो पारिबा थैंक्स अ लॉट फॉर ए पेशेंट हियरिंग।